सभी पत्रकार बंधु को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पर आए। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ आपका स्वागत करता है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, इस समय जो है ये परिणामी वरीयता विधेयक 2022 विधानसभा में 24 तारीख को 24 मार्च को पारित किया गया है। इसके संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांति समाज में फैली हुई है, उसको उसके संवैधानिक पक्ष और लीगल पक्ष को रखने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ताकि आरक्षण के मामले में संविधान का अभी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इसका क्या फायदा होगा, इसके बारे में हमें बताने का के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आरक्षण के जो संविधान के द्वारा आरक्षण दिया गया, उसमें एक बड़ा मोड़ आया 16/11/1992 को, जब इंदिरा सहने ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में दी जा रही आरक्षण को असंवैधानिक करार किया था। इसके उपरांत इस समाज के पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 77वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, और जिससे इसको अनुसूची 9 में लेकर के प्रोन्नति में आरक्षण को संवैधानिक बनाया गया। पुनः वीरपाल सिंह चौहान के मामले में पारित न्याय निर्णय के कारण परिणामी वरीयता से अनुसूचित जाति जनजाति के सेवकों को वंचित होना पड़ा। परिणामी वरीयता क्या है? परिणामी वरीयता का अर्थ है कि जब आपका प्रोन्नति होता है, प्रमोशन होता है, तो जिस कैडर में आप जाते हैं तो डेट ऑफ एंट्री जो होती है वो आपके वरीयता का निर्धारण करता है। परंतु वीरपाल सिंह के मामले में उनका कहना था कि अगर आप आरक्षण से प्रोन्नत हुए हैं तो अगर आपके बाद सामान्य जाति के या अन्य कोई भी लोग प्रोन्नत होंगे तो जिस समय अपॉइंटमेंट हुआ उस समय का जो भी वरीयता है वो हासिल कर लेंगे और वही वरीयता रहेगी। तो उच्च पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के कम लोगों का को देखते हुए भारत सरकार ने 85वां संशोधन विधेयक लाया, जिससे परिणामी वरीयता का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को देने का निर्णय किया। भारत सरकार के द्वारा 82वां संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स और स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्यूशन में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को कम रखने का निर्णय लिया गया और उसको संविधान के द्वारा पारित कराया गया। उक्त चारों संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका 61/2002 में एम नागराज का केस, जिसके बारे में अगर आप आरक्षण से संबंधित ये करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो एम नागराज का काफ़ी अधिक बार चर्चा आता है। ये एक काफ़ी बड़ा जजमेंट है और इस जजमेंट में इन चारों संविधान संशोधन विधेयक को चैलेंज किया गया, परंतु 19/10/2006 को न्याय निर्णय पारित किया गया और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन चारों संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद से इसको कोई भी बेंच में चैलेंज नहीं किया गया है। अर्थात लेकिन इस क्रम में जो है आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई कि परिणामी वरीयता के द्वारा अगर आप प्रोन्नति देते हैं तो भी वो 50% किसी भी कैडर का जो स्ट्रेंथ है उसे 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो झारखंड सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें इस सीमा का अनुपालन किया गया है, अर्थात 50% सीट तक ही परिणामी वरीयता के द्वारा लोग जा पाएंगे और बाकी 50% सीट सामान्य अनरिजर्व, नॉट सामान्य, अनरिजर्व के लिए है। और उस किस पर्पस क्या बुलाने का आज दिनांक 3/4 को अनुसूचित जाति जनजाति संघ के द्वारा प्रेस वार्ता के द्वारा आप लोग बुलाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं सब लोगों का। आज बुलाने का मकसद हम लोगों का था जो एसटीसी कर्मचारी जो परिणामी वरीयता के द्वारा आपका ये विधेयक जो पास किया गया था, उसी के उद्देश्य से
आज बुलाया गया आप लोगों को इस वार्ता के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 24/3/22 को परिणामी वरीयता विधेयक 2022 विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित किए जाने पर मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय सदस्यगणों को एसटीएससी कर्मचारी संघ की ओर से धन्यवाद देती है। मुख्यमंत्री महोदय और जो भी सदस्यगण विधेयक में जो पारित करने में सहयोग दिए हैं सभी को हम कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आज का मुख्य बिंदु है प्रणामी वरीयता यूजीसी का, जो यूजीसी और आपका रिम्स का जो एक बहुत स्वर्णिम काल हम लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा विधेयक पारित किया गया है वो हम लोगों के अंदर काफ़ी खुशी की लहर है। उसी के लिए धन्यवाद हम लोग ज्ञापन करते हैं। विशेष रूप से जो भी एक एक बिंदु करके जो क्या कैसे हम लोग का किया गया है, क्या क्या बिंदु हैं, सारी विस्तार रूप से हमारे संजय बाबू के द्वारा, संजीव कुमार मेरे उपाध्यक्ष हैं, बताया जाएगा। संजय बाबू आप सारी विस्तार आप बताएं। वर्तमान महासचिव महोदय कुछ बोलना चाहेंगे तो बताएँ। ये कई कदम बढ़ता है।